शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति को घर वालों की बात ना मानने का नतीजा ये मिला कि उसकी मौत हो गई। ये व्यक्ति शराब के नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि चलते चलते तालाब के गहरे पानी में उतर गया और मौत हो गई। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत मुहगड़ी गांव में शराब के नशे में धुत त्रिभुवन बैगा, जिसकी उम्र 45 साल थी, उसकी मौत हो गई। त्रिभुवन को नशा इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आया कि पानी में जाएगा तो वो डूबने से मर जाएगा। इस व्यक्ति की परिवार के सामने ही देखते मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि त्रिभुवन बैगा अत्यधिक शराब पिया हुआ था। तालाब के सामने पहुंचकर बोला कि मैं उस पार होकर आ रहा हूं। लोग मना करते रहे लेकिन नहीं माना। तालाब में अत्यधिक पानी होने के कारण पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग पीछे पीछे पानी में ढूंढने गए तो वो नहीं मिला। थक हार कर घर वालों ने चितरंगी पुलिस को सूचना दी। जब चितरंगी पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह द्वारा होमगार्ड की मदद से तालाब से डूबे हुए त्रिभुवन बैगा को बाहर निकाला गया और स्थानीय चितरंगी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।